Assalamu alaikum, myself Farina Mohammed. Today our topic is three determinants. ये three determinants वो है जो determine करती है कि अगर आपकी society में social differences है, अलग अलग differences है, तो differences division में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे. तो जो factors या determinants है ये decide करते हैं. पहला डिटर्मिनेंट क्या है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी. एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं. नॉर्दर्न आयरलैंड का अगर हम देखेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड में लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखा, लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के फॉर्म में देखा, यानी कि रिलीजन में दो सेक्ट्स थे, जैसे मुस्लिम्स में शिया और सुनी होते हैं. तो वो अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर पाए और लड़ बैठे आपस में, लड़ाइयाँ हो गई. और वहीं पे अगर हम दूसरी कंट्री बेल्जियम अगर देखेंगे तो बेल्जियम में लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे ही देखा कि वो डच स्पीकिंग है, या ऐसे नहीं देखा कि वो डच स्पीकिंग है या फिर वो फ्रेंच स्पीकिंग है. इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे देखा कि वो बेल्जियम के हैं, मतलब कि वो बेल्जियम के सिटीजन्स हैं. तो वहाँ ये, वहाँ पे वो एक बड़ी आइडेंटिटी, और जो दूसरी दूसरे ग्रुप्स, दूसरे लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स थे, इन्हें भी एकोमोडेट कर रहे हैं बेल्जियम में. तो ये तो था पहला. इसमें हम आइडेंटिटी को कैसे परसीव कर सकते हैं, एक वे ये है कि सिंगल और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी. इसमें हम देखते हैं, जैसे आप सिर्फ देख रहे हो, आप फ्रेंच स्पीकिंग हो या डच स्पीकिंग हो, तो इसके चलते क्या होता है, सिंगल और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी लीड्स टू डिविजन्स. इससे डिविजन होते हैं, इससे सोसाइटी बढ़ जाती है. अगर डिटरमिनेंट्स को आपस में रिलेट कर लिया जाए, तो ये एग्जांपल से मान लीजिए, मान लीजिए आप दो भाई हैं या दो बहन हैं, और आपके घर में एक रिलेटिव ने बहुत सारे गिफ्ट्स पहुंचाए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना. देखो यहाँ पे आ रहा है, हाउ पीपल परसीव आइडेंटिटी, कैसे हमें पहचान, अपनी पहचान को हम कैसे मतलब किस नज़रिया से देखते हैं, कि मेरी आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल मैं घर में बड़ा भाई हूँ तो सारे गिफ्ट्स मैं रखूँगा, अपनी ये मेरी अपनी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी बन गई, देखी है, यानी सिंगल आइडेंटिटी देखी है, सिर्फ मैं, ओनली मी. तो यहाँ पे पहला डिवीजन है, यानी डिवाइडिंग फैक्टर है. यहाँ पे देखने को मिलता है कि फैमिली में ये पहला डिवाइडिंग फैक्टर स्टार्ट हो गया, कि नहीं मैं एल्डर हूँ, बड़ा हूँ, तो मैं ही सारे गिफ्ट्स लूँगा, अपने भाइयों में गिफ्ट्स, बहन भाइयों में गिफ्ट्स नहीं बांटूँगा. तो ये तो एग्जांपल से हमने समझ लिया. अब दूसरा है, इट डिपेंड्स ऑन, दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, दूसरा डिटरमिनेंट है, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड्स फॉर एनी कम्युनिटी. अगर ऐसा होता है कि मान लो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हिंदूज है और मुस्लिम्स है, तो हिंदू सारी अपनी आइडेंटिटी एज ए हिंदू देख रहे हैं और मुस्लिम सारी अपनी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी सिंगुलर देख रहे हैं. लेकिन इस चीज़ को अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट देते हैं, मतलब अगर क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि नहीं हम तो हिंदू के नेता है, लीडर है, कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि हम तो सिर्फ मुस्लिम्स के लीडर हैं, तो इसके चलते क्या होगा कि पॉलिटिकल लीडर या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो किसी भी एक कम्युनिटी की डिमांड को कैसे उठाता है.
दे आर रेजिंग देयर डिमांड्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई भी लीडर किसी भी तरह की डिमांड उठाता है तो वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय दिस कि ऐसी डिमांड उठाओ जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। इट विल लीड टू टेंशंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज। इफ डिमांड्स आर रेज्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे आर अकोमोडेटिव। इफ दे आर नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे विल लीड टू टेंशंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज। अगर वही डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उठाई जाए तो ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर ये तो कहेंगे कि हम तो सिर्फ हिंदूज के लीडर हैं तो हम तो सिर्फ इन्हीं का भला सोचेंगे, इन्हीं का बेटरमेंट सोचेंगे या फिर इन्हीं के लिए पॉलिसीज बनाई है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर जा रही है। आप इन्हीं डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, करने के लिए किसी और को सफ़र करवा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें टेंशन्स डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, श्रीलंका में देखेंगे श्रीलंकन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने सिर्फ सिन्हालीज कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए डिमांड्स उठाई, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर थी, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं थी। सिर्फ एक कम्युनिटी का इन्होंने सोचा कि सिन्हालीज मेजॉरिटी में है तो इन्हीं को रूल करना चाहिए। तो यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है तमिल स्पीकर्स के लिए के साथ जो माइनॉरिटी में है, तो ये तो सफ़र कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आ गया इससे कि दूसरा जो डिटरमिनेंट है कि जो हमने पढ़ा पहले ही, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड्स फॉर एनी कम्युनिटी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।